हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब तक हमने देखा कि जियान की उषा को बचाने के लिए उसके सारे जूनियर शूफेंग के सामने आ जाते हैं, मगर शूफेंग अपने डीमन चेनिंग स्वॉर्ड की मदद से जियान की उषा के सारे जूनियर को एक ही झटके में मार देता है। और ये सारा कुछ देख के जियान की उषा शूफेंग से भागने लग जाता है, मगर शूफेंग जियान की उषा का पीछा करते हुए आखिरी में जियान की उषा को भी मार डालता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो सारे डेड बॉडी से उनके सारे ट्रेजर को बाहर निकाल के अपने पास रख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के पास इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सारे लोग आने लग जाते हैं और शूफेंग को रेस्पेक्ट दिखाते हुए कहने लग जाते हैं, लॉर्ड शूफेंग हमें आप माफ कर दीजिए, हमारे पास बहुत सारे ओल्ड और यंग लोग हैं जिनको हमें ही टेक केयर करना होगा। तभी शूफेंग उन लोगों को कहने लगता है इस फाइट में दोनों आर्मियों ने सिर्फ अपने मास्टर का ऑर्डर ही सुना है, इसलिए तुम लोगों ने भी इधर कुछ भी गलत नहीं किया है। मगर फाइट को जो जीतता है वही किंग बनता है और जो हारता है वो हमेशा एक विलन बन के रह जाता है। अगर मैं आज इस फाइट को हारता तो मैं जानता हूँ कि कोई मेरे ऊपर सिंपैथी नहीं दिखाता, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम लोग कितना जिंदा रहना चाहते हो, मगर मैं तुम लोगों को इधर जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। और अपने डीमन सीलिंग शॉट को निकाल के उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से उधर मारने लग जाता है। तभी हमें दोबारा से शूफेंग को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ते हुए अपने क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोगों को कहने लग जाता है आज इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, साथ ही साथ तीनों मॉन्स्टर क्लैन में भी कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक के सारे लोग शूफेंग का ऑर्डर पा के बहुत ही जोश में आ जाते हैं और शूफेंग के ऑर्डर को फॉलो करके इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के बचे हुए सारे लोग और तीनों मॉन्स्टर क्लैन के सारे लोगों के साथ फाइट करने लग जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो सारे लोग मिलके लगभग सारे लोगों को उधर मार डालते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सारे लोग शूफेंग के पास आके शूफेंग को कहने लगते हैं शेक लीडर, हमने इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली और तीनों मॉन्स्टर क्लैन के सारे लोगों को मार दिया है। इस बात को सुन के शूफेंग भी खुश हो जाता है और उन लोगों को कहने लगता है तुम लोगों ने आज बहुत ही हार्डवर्क किया है, इसलिए तुम लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। इस बात को सुन के वो सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और शूफेंग के नारे लगाने लग जाते हैं। तभी अचानक से शूफेंग को उधर कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है शायद सारा कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। और ऐसा सोच के शूफेंग चिल्लाते हुए कहने लग जाता है तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, तुम कैसे खड़े होके अपने यंग जनरेशन के लोगों को इस तरीके से मरते हुए देख सकते हो, तुम तो बहुत ही शेमलेस हो। तभी दिखाया जाता है शूफेंग का बात सुन के कोई बहुत ही तेजी से हंसने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में एक पोर्टल अपीयर होने लग जाता है जिसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलने लग जाता है। जो आदमी हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें कैसे पता चला मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैंने सोचा था ये सारा कुछ बहुत ही काफी होगा तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए, मगर अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और ये आदमी और कोई नहीं मुरोंग मिंगटोंग होता है। और मुरोंग मिंगटोंग को जिंदा देख के उधर खड़े हुए सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये कैसे अभी तक जिंदा है। तभी मुरोंग मिंगटोंग को शूफेंग कहने लग जाता है मैं मानता हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा कोशिश किया था और तुमने लगभग मुझे बेवकूफ बना ही दिया था, मगर तुम क्यों इस जगह से नहीं भागे के बजाय तुम मेरे सामने अपीयर हुए हो, क्या तुम्हारे पास कोई न्यू स्किल है जिसकी मदद से तुम मेरे साथ फाइट करने वाले हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ। अगर तुम ऐसा ही करने की कोशिश करने वाले हो, इधर कोई सीक्रेट रखने की बात नहीं है, तुम जल्दी से अपने अटैक को मेरे सामने दिखाओ। शूफेंग का ये बात सुन के मुरोंग मिंगटोंग हंसने लग जाता है और शूफेंग को कहने लगता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम जानते हो मेरे पास कोई स्किल है जिसकी मदद से मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ, तब भी तुम कैसे मेरे सामने इतना एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। मगर शूफेंग तुम्हारा आर्टन फॉरबिडन मार्शल स्किल बहुत ही पावरफुल था, इसलिए मैं जानता हूँ इसको पाने के लिए भी तुम्हें बहुत ही अच्छा प्राइस देना पड़ा होगा। तभी शूफेंग कहने लग जाता है मैं इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्किल काफी है तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए और तुम्हें हराने के लिए। तभी मुरोंग मिंगटोंग शूफेंग को कहने लग जाता है शूफेंग तुम क्या जानते हो मैं क्यों इधर वेट कर रहा था तुम्हारे टेंपरेरी कल्टीवेशन लेवल को फिश होने के लिए। तभी शूफेंग ये सारे बातों को सुन के अपने मन में सोचने लगता है मैं डर रहा हूँ कि मुरोंग मिंगटोंग के पास जो ट्रम्प कार्ड है वो इतना भी सिंपल नहीं होगा। तभी मुरोंग मिंगटोंग एक इविल सा फेस बना के शूफेंग को कहने लग जाता है शूफेंग मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बताओ तो मैं तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस मेथड का यूज करूंगा तुम जरूर मर जाओगे और तुम इस मेथड की वजह से जिसको फेस करने वाले हो वो
ऑर्डिनरी चीज नहीं है, तुम एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस के साथ फाइट करने वाले हो। ऐसा कहके मुरोन मिंगतोंग एक फॉर्मेशन को तैयार करने लग जाता है, जिसको देख के सुफेंग कहने लगता है ये तो ट्रांसमिशन फॉर्मेशन है। जिसको देख के सुफेंग अपने सारे लोगों को उधर से जाने को कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है इस फॉर्मेशन की वजह से आसमान में बहुत सारा एनर्जी फैलने लग जाता है, और इस फॉर्मेशन को देख के बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं क्या इस फॉर्मेशन से कोई ताकतवर मॉन्स्टर निकलने वाला है। कोई दूसरा आदमी कहने लगता है क्या इस फॉर्मेशन से कोई घोस्ट बाहर निकलने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा कॉफिन निकलने लग जाता है। तभी सुफेंग इस कॉफिन को देख के अपने हेवेनली आई की मदद से इसके अंदर क्या चीज है उसको देखने की कोशिश करता है। और जब सुफेंग अपने हेवेनली आई की मदद से उस कॉफिन के अंदर क्या है वो देख लेता है, वो बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये क्या वो है। तभी हमें मुरोन मिंगतोंग को दिखाया जाता है जो अपनी पावर की मदद से उस कॉफिन को खोल लेता है। और तभी हमें पता चलता इस कॉफिन के अंदर और कोई नहीं सीनियर होंगफू होते हैं। तभी सीनियर होंगफू को देख के सिस्टर क्यूची चिल्लाते हुए कहने लगती है होंगफू ये मैं हूँ, तुम्हें क्या मेरे बारे में याद है। तभी सिस्टर क्यूची को सीनियर होंगफू की तरफ बढ़ते हुए देख के सुफेंग सीनियर सिस्टर क्यूची को रोकने लग जाता है और कहने लगता है सिस्टर क्यूची आप इधर मत आइए, ये वो सीनियर होंगफू नहीं है जिसको आप जानती थी। फिलहाल सीनियर होंगफू कोई मेथड की मदद से मुरोन मिंगतोंग कंट्रोल कर रहा है, इसलिए आप इधर मत आइए। तभी दिखाया जाता है मुरोन मिंगतोंग कहने लगता है मैंने जिस मेथड की मदद से होंगफू कंट्रोल किया है वो मिस्ट्री पीक का एक फॉरबिडन स्किल है जिसको डीमन सीलिंग सील कहा जाता है, और इसको एक्टिव करने के लिए बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस देना होता है, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों का भी सेक्रीफाइस देना होता है, और इसलिए मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइस देके इस फॉर्मेशन को बहुत ही पावरफुल बनाया है। इसलिए होंगफू फिलहाल मेरा एक पपिट है, इसको मैं जुड़ने को बोलूंगा वो करेगा, और वो मेरे ऑर्डर को डिसओबे नहीं कर सकता है। अगर मैं बोलूंगा कि वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को मार भी दे तब भी वो बिना गुस्से से उसे मार देगा। मुरोन मिंगतोंग के ये सारे बात को सुनके सिस्टर फुयान बहुत ही गुस्से में आ जाती है और मुयांग को कहने लगते है तुम कैसे नॉनसेंस बातें बोल रहे हो, होंगफू को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है, और मैं इधर बताना चाहूंगा कि पहले मैंने गलती से सिस्टर फुयान को सुनू कह दिया था। तभी सिस्टर फुयान के ये सारे बात सुनके मुरोन मिंगतोंग हंसने लगता है और कहने लगता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम एक बार ट्राई करके देख सकती हो। और ये कह के मुरोन मिंगतोंग सीनियर होंगफू को सिस्टर फुयान को टुकड़ों में काटने का ऑर्डर देता है, और इस ऑर्डर को पाके सीनियर होंगफू सिस्टर फुयान के ऊपर अटैक कर देता है। मगर एन मौके पे सुफेंग अपने डीमन सीलिंग शॉट की मदद से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और सिस्टर फुयान को बचा लेता है। और सुफेंग सिस्टर फुयान को कहने लग जाता है सिस्टर फुयान आप इधर से चले जाइए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सीनियर होंगफू को मुरोन मिंगतोंग के कंट्रोल से बाहर लेके आऊंगा। मगर सीनियर सिस्टर फुयान कहने लगती है मैं ऐसे कैसे होंगफू को इधर छोड़ सकती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सीनियर होंगफू दोबारा से एक अटैक सिस्टर फुयान के ऊपर कर देता है। तभी इस अटैक को आते हुए देख के सुफेंग सिस्टर फुयान को उधर से जाने को कहता है और अपने व्हाइट टाइगर अटैक की मदद से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है सीनियर होंगफू सुफेंग के ऊपर एक पावरफुल फायर का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उधर एक फायर का टोर्नेडो जैसा क्रिएट हो जाता है। अभी इस अटैक को देख के सिस्टर फुयान सुफेंग को उधर से भागने को कहती है और कहने लगती है ये बर्निंग हेवन सॉर्सरर का ब्लेजिंग फ्लेम है, सुफेंग तुम इस अटैक से बच नहीं सकते हो, इसलिए तुम जल्दी से इधर से भागो। तभी हमें सुफेंग को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ते हुए सिस्टर फुयान को कहने लगता है आप इधर मत आइए, आप मेरे ऊपर थोड़ा बिलीव करिए, ये फ्लेम जितना भी पावरफुल हो जाए मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। तभी सुफेंग का ये बात सुन के सिस्टर फुयान उधर से पीछे जाने लग जाती है और सुफेंग को कहने लगती है तुम संभाल के रहना। तभी हमें दिखाया जाता है सीनियर होंगफू सुफेंग के ऊपर दोबारा से एक फायर का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और जमीन भी फटने लग जाती है। इसको देख के मुरोन मिंगतोंग बहुत ही हंसने लग जाता है और कहने लगता है तुम तो बहुत ही एरोगेंट थे, अब क्या हुआ तुम्हें क्या लगा था होंगफू कौन है, तुमने दूसरों से अब कल्टीवेशन लेवल को बोरो किया है, क्या इससे तुम्हें लगता है कि तुम मार्शल किंग के 8 लेवल के बंदे से जीत सकते हो, तुमने अपनी मौत को खुद ही ढूंढा है। और इतने बड़े धमाके को देख के सुफेंग शुरू और सारे लोग सुफेंग के लिए परेशान होने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सीनियर होंगफू के इस फायर टोर्नेडो अटैक को कोई एक एनर्जी धीरे धीरे से खत्म कर रहा होता है, और इसकी वजह से कोई भी उधर कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है और कहने लगता है इधर क्या हो रहा है। और जब उस जगह से धूल हटने लग जाती है सारे लोग सुफेंग को उधर अपने डिवाइन लाइटनिंग आर्मर में देखते हैं। सुफेंग को उधर देख के बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं
शूफेंग क्या अभी तक जिंदा है, वो कैसे इतने पावरफुल फ्लेम अटैक से बच गया है, और कोई कहने लगता है शूफेंग तो सिर्फ मार्शल किंग के 4th लेवल में है, वो कैसे मार्शल किंग के 8th लेवल वाले बंदे के अटैक से बच सकता है। तभी एक दूसरा बंदा कहने लगता है, तुमने क्या देखा, शूफेंग के बॉडी के चारों ओर जो सारे डिवाइन लाइटनिंग है उसकी वजह से उसका कल्टीवेशन लेवल मार्शल किंग के 5th लेवल में पहुंच चुका है। तभी इस बात को देख के मुरन मिंगतोंग भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये तो इम्पॉसिबल है, शूफेंग ने तो अपना कल्टीवेशन लेवल को दूसरों से बोरो किया था, वो कैसे अपने कल्टीवेशन लेवल को फाइट के बीच ब्रेक थ्रू करवा सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी शूफेंग मुरन मिंगतोंग को कहने लग जाता है, तुम क्या सरप्राइज हो गए हो, और मेरा ये थंडर ब्लास्ट स्किल कोई फॉरबिडन टेक्निक नहीं है, ये मेरा खुद का एबिलिटी है जो मुझे हर तरह के खतरों से बचाता है। तभी इस बात को सुन के मुरन मिंगतोंग शूफेंग को कहने लगता है, तुम एक जीनियस हो, तुम सिर्फ ईस्टर्न सी रीजन के ही जीनियस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर वांगफू तुम्हें आसानी से हरा देगा। और ये कह के सीनियर वांगफू को शूफेंग को मारने के लिए ऑर्डर देता है। तभी मुरन मिंगतोंग के ऑर्डर को सुन के सीनियर वांगफू चारों तरफ अपने फ्लेम को फैलाने लग जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा फ्लेम का अटैक क्रिएट करने लग जाता है। तभी इस बात को देख के सिस्टर फुआन बहुत ही घबराने लग जाती है और शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग संभाल के, तुमने जो पहले जो ब्लेजिंग फ्लेम अटैक को झेला था वो सिर्फ 1st लेवल का था, मगर ये 5th लेवल का है, इसलिए थोड़ा संभाल के। मगर तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपने हाथों पे डिवाइन लाइटनिंग को समन करते हुए उस फायर अटैक के ऊपर पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और कर भी देता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से दोनों ही बहुत ही पीछे जाके गिरते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सीनियर वांगफू शूफेंग के ऊपर बहुत सारे फायर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ शूफेंग भी अपने डिवाइन लाइटनिंग की मदद से बहुत सारे पंच क्रिएट करके सीनियर वांगफू की तरफ अटैक कर देते हैं, मगर शूफेंग बहुत ही मुश्किल से इन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर पाता है, और जिसकी वजह से शूफेंग सोचने लगता है, शायद ये 9th लेवल का बर्निंग फ्लेम है, शायद अब मुझे भी इनसे फाइट करने में मुसीबत आ सकता है, और ये कहके डीमन सीलिंग शॉट को दोबारा से उठा लेता है। तभी हमें दूसरी तरफ सीनियर वांगफू को दिखाया जाता है जो चारों तरफ फायर के अटैक करने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपने 4 टोकन स्लेटरिंग फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेता है, जिसके अंदर से शूफेंग के चारों सीक्रेट स्किल बाहर आने लग जाते हैं और इन चारों सीक्रेट स्किल की पावर की वजह से उधर से फायर हटने भी लग जाता है, जिसको देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और मुरन मिंगतोंग भी बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अभी हमें दिखाया जाता है मुरन मिंगतोंग सीनियर वांगफू के पास जाके उन्हें कहने लगते है, तुम जल्दी से शूफेंग को मार डालो। तभी सीनियर वांगफू भी मुरन मिंगतोंग के ये इस ऑर्डर को सुन के शूफेंग के ऊपर एक फायर का अटैक कर देते है, जिधर से बहुत सारे फायर के स्नेक बाहर निकलने लग जाते है, और इस पावरफुल अटैक को देख के सिस्टर फुयान कहने लगती है, ये तो फ्लेमिंग स्नेक अटैक है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग का मास्टर इस अटैक को देख के कहने लगता है, बर्निंग हेवन सोर्सरर के फॉर्मर लीडर ने तो इस अटैक की मदद से एक पूरे रेस को ही खत्म कर दिया था, ये तो ईस्टर्न सी रीजन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ शूफेंग बहुत ही मुश्किलों से इन सारे स्नेक से फाइट कर रहा होता है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है वो सारे स्नेक आसमान में जाने लग जाते हैं और एक क्षण में ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं और ऐसा करके एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लग जाते हैं, जिसका नाम फायर स्नेक एंड सन होता है। और इस अटैक की इम्पैक्ट की वजह से शूफेंग के अलावा जितने सारे लोग होते हैं उनके चारों तरफ जो बैरियर होता है वो भी टूटने लग जाता है, जिसको देख के शूफेंग का मास्टर कहने लगता है, सारे लोग संभाल के रहना, ये बैरियर टूटने वाला है। तभी दूसरी तरफ इस अटैक के इतने पावरफुल होने की वजह से मिंगतोंग बहुत ही खुश रहता है और कहने लगता है, शूफेंग तुम तो आज इधर ही मरोगे। तभी हमें दूसरी तरफ शूफेंग को दिखाया जाता है जो इस अटैक के फायर पावर की वजह से बहुत ही पसीना पसीना हो गया होता है। तभी शूफेंग उस अटैक की तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार मुझे अब लगता है मुझे उसे यूज़ करना ही होगा ये सारा कुछ ख़त्म करने के लिए। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।